छात्रों, आज हमारा ये पाठ अध्याय दो में हम रिवीजन शुरू कर रहे हैं। मतलब कुछ प्रश्न हमने पहले बता दिए थे भारतीय संविधान में अधिकार। एक और इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो हमने 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया, तो उसमें से आपको बताना है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा मौलिक अधिकार है, और तर्क देकर बताइए कि ये सबसे ज्यादा क्यों महत्वपूर्ण है। तो हमने समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सारे अधिकारों के पढ़े, विचारों की अभिव्यक्ति को प्रकट करने का अधिकार। तो इसमें से जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो है संविधानिक उपचारों का अधिकार, क्योंकि ये सारे अधिकारों का, जितने भी मौलिक अधिकार हैं, ये सभी को क्या देता है, सुरक्षा प्रदान करता है। हमारा जो संविधान है, संविधान का अनुच्छेद जो 32 है, उसमें ये अधिकार दिया गया है कि ये जितने भी अन्य मौलिक अधिकार हैं उनको संरक्षण क्या करेगा, प्रदान करता है। कोई भी जो नागरिक है अपने मौलिक अधिकारों का, उनका हनन हो रहा है, उस पर अतिक्रमण हो रहा है, तो हम उसके विरुद्ध न्यायपालिका में प्रार्थना पत्र देकर अपने अधिकार की रक्षा की क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। यही कहलाता है संविधानिक उपचारों का अधिकार। और इस प्रकार यदि हम वहां पर अपील करते हैं, तो जो उच्चतम न्यायालय है या हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, वो क्या करेगा कि इन 5 जो रिट होते हैं उनके द्वारा आदेश जारी कर सकता है। 5 रिट, 5 तरह के जो बिंदु थे, जैसे बंदी, प्रत्यक्षीकरण 1, परमादेश, निषेध आदेश, उत्प्रेषण और अधिकार रक्षा, ये 5 रिट जारी कर सकता है। तो संविधानिक उपचारों का जो अधिकार है, ये सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। कोई भी व्यक्ति को कोई भी अन्य जो मौलिक अधिकार है उनका यदि उल्लंघन हो रहा है, तो वह न्यायालय की क्या ले सकता है, शरण ले सकता है। और डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान की मूल आत्मा तथा मर्म कहकर संबोधित किया था। आपको मालूम है हमारा संविधान बनाने में डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब इस पाठ से संबंधित कुछ आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न और भी देख सकते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है, ये आप देख सकते हो कि ये आप इसको पढ़ेंगे कि वे अधिकार जिनका देश के संविधान में उल्लेख किया जाए तथा जिनका अतिक्रमण अथवा हनन होने पर व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकते हैं, तो कौन से अधिकार हैं जिनसे हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तो उत्तर दिया है प्राकृतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, औपचारिक अधिकार, कानूनी अधिकार। तो इसमें से जो उत्तर होगा वो होगा मौलिक अधिकार। कौन सा अधिकार होगा? मौलिक अधिकार होगा। फिर दूसरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो ये तो आप मन से नहीं, आपने पढ़ा है तो आप देखेंगे कि जो आप किताब में हमने भी देखा है कि ये तीसरे भाग में खा जो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, वो तीसरे भाग में किया गया है संविधान के। फिर है, भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? आपको मालूम है 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, पहले 7 थे, संपत्ति का हटा दिया गया है। फिर चौथा प्रश्न है, ये भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस अनुच्छेद, ये भी आपको मन से नहीं लिखना है, आपने पढ़ा है कि अनुच्छेद 14 से 32 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो 14 से 32 तक ही ये उत्तर आएगा। इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, इसको मन से नहीं लिखना है।
आप किताब में आप पढ़िए। फिर है वर्तमान में संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार तो नहीं है, हटा दिया है, नैतिक अधिकार भी नहीं है, कानूनी अधिकार, राजनीतिक, तो ये सही है। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। फिर अगला है भारतीय संविधान में जो समानता का अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो ये है 14 से 18 के बीच में, अनुच्छेद 1400, ये वाला का उत्तर सही है। तो आपको ये सब याद करना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता, अभी हमने बताया था कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, ये सर्वोच्च न्यायालय करता है। यहाँ पर हम अपील कर सकते हैं। फिर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में नागरिकों के कितने कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इसमें आएगा 11 कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। और अगला प्रश्न है कौन से कर्तव्य राज्य के लिए बाध्यकारी होते हैं, नैतिक, राजनीतिक, सामाजिक, संविधानिक। तो आपको पढ़ के लग रहा है संविधानिक, संविधान के द्वारा जो कर्तव्य लिखे हुए हैं वो राज्य के लिए बहुत आवश्यक हैं। संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, 4। तो ये भी आपको मन से नहीं करना, पढ़ना है। इसी भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग, एक आयोग बना हुआ है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये भी, ये भोपाल में है, मध्य प्रदेश का। ये इस प्रकार ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप जो आपके पाठ के बीच में से दिए हुए हैं इनको हल करना है। धन्यवाद।